नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इंडिया के नंबर वन क्रिकेट यूट्यूब चैनल माई सरकारी न्यूज पे। तो गाइस, बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आप सभी के मन में कभी ना कभी तो ख्याल आया होगा, अगर आप एक क्रिकेट प्रेमी हो तो भाई आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि भाई ये क्रिकेट खेलते हैं जो प्लेयर हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है, कितना मैच का कितना पैसा मिलता है, शतक लगाते हैं तो कितना पैसा मिलता है, डबल सेंचुरी पे कितना मिलता है, ट्रिपल पे कितना मिलता है, 5 विकेट लेने पे लगातार कितना पैसा मिलता है। सो हाय गाइस, दिस इज अमित एंड यू आर वॉचिंग माई सरकारी न्यूज। अगर आप भी जानना चाहते हो तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट वीडियो के ठीक नीचे आपको लाल कलर में सब्सक्राइब वाली बटन नजर आ रही होगी, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक नोटिफिकेशन बेल आएगा, उसे दबा के और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। चलिए गाइस, इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां पे 11 प्लेयर एक पारी में होते हैं, 11 प्लेयर दूसरी पारी में होते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, टेस्ट मैच के दौरान एक खिलाड़ी को केवल दोस्तों एक खिलाड़ी की बात कर रहा हूं, एक खिलाड़ी को टेस्ट मैच के दौरान 15 लाख रुपए मिलते हैं। अगर हम बात करें वही वनडे के बारे में, जो 50-50 ओवर के मैच होता है उसके बारे में बात करें, तो एक खिलाड़ी को एक मैच खेलने के लिए 6 लाख रुपए मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तीसरे फॉर्मेट के बारे में, जो दोस्तों होता है T20 मैच, उसमें एक खिलाड़ी को 3 लाख रुपए मिलते हैं एक मैच खेलने के लिए। अब हम बात करते हैं कि कोई खिलाड़ी अगर शतक लगा देता है तो उसे कितने रुपए मिलते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर कोई खिलाड़ी क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में अगर शतक लगाता है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो, अगर वो शतक लगाता है तो उसे 5 लाख रुपए इनाम के तौर पे मिलते हैं। उसके बाद अगर वो डबल शतक यानी दोस्तों डबल सेंचुरी लगाता है तो उसको 7 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पे मिलते हैं। उसके बाद अगर वो ट्रिपल सेंचुरी लगाता है, जैसे कि टेस्ट मैच हो गया उसमें, तो उसको 10 लाख रुपए इनाम के तौर पे मिलते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बॉलरों के बारे में कि अगर कोई बॉलर एक मैच में 5 विकेट ले लेता है, वो लगातार नहीं हो कैसे भी ले मगर 5 विकेट ले ले, तो उसे 5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर कोई बॉलर लगातार नहीं कैसे भी ले 10 विकेट ले ले पूरे मैच में, तो उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलता है, BCCI देता है। अगर कोई खिलाड़ी क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में लगातार ट्रिपल सेंचुरी लगाता है, यानी दोस्तों ट्रिपल सेंचुरी एक मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 मैच में 3 शतक लगाता है लगातार, तो उसकी सैलरी में 30% से लेकर 40% के बीच में बढ़ोतरी हो जाती है। उसके बाद हम बात करें कि अगर कोई खिलाड़ी लगातार 3 अर्धशतक लगाता है तो उसकी सैलरी में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। और अंत में हम बात करते हैं कि जब कोई खिलाड़ी रिटायरमेंट होता है तो BCCI उसे पेंशन भी देता है। गाइस, मुझे एक बात बहुत ही दुख के साथ अंत में बोलनी पड़ रही है कि क्रिकेट जितना ऊपर जा रहा है, हमारे देश के उतने जो और गेम हैं वो उतने ही नीचे आते जा रहे हैं। तो गाइस, बस इस वीडियो में इतने था, मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए माई सरकारी न्यूज़।